आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बुक से लिया गया ये टॉपिक सफलता के तीन चरण। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए सफलता के तीन चरणों के बारे में बात करते हैं। नंबर वन, सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे आप करना पसंद करते हैं और उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, तो आप वो कैसे काम कर सकते हो? आपको उस फील्ड में कैसे सफलता मिल सकती है? अगर बाई चांस आपको सफलता मिल भी गया तो आप उस काम से उब जाओगे। कई सारे ऑफिस में काम करते हैं वो उब जाते हैं, पक जाते हैं, अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। तो आप ऐसे फील्ड को चुनो जिसे आप प्यार करते हो, उस काम को करने में आपको मजा आता है। सो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नंबर टू, सफलता का दूसरा स्टेप यह है कि किसी फील्ड में, किसी पार्टिकुलर फील्ड में किसी दूसरे की अपेक्षा आपको उस फील्ड की ज्यादा समझ हो, ज्यादा जानकारी हो। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो अगर आप बैट्समैन बनना चाहते हो फिर बैटिंग पे फोकस करो। अगर आप बॉलर बनना चाहते हो तो फिर बॉलिंग पे फोकस करो। और उसमें भी अगर आप बॉलिंग कराते हो तो आपको स्लोअर बॉल की तरफ काम करना होगा, इन स्विंग पे काम करना होगा। बाउंसर के अलग अलग वेरिएशंस है। अगर आप क्रिकेटर हो तो आप समझते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के अलग अलग वेरिएशंस पे काम करना होगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नंबर थ्री, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो केवल आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सफलता दे। आपकी इच्छा स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए। आप जो कार्य करते हैं उससे मानवता का भी कल्याण होना चाहिए। ये मैंने तीनों टॉपिक्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक से बताया है। आज जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एंड ऐसे वीडियोस आप चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।